हेलो गाइस एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो एज इन लास्ट वीडियो यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार एंड ही क्वालिफाइड स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज सिलेक्टेड इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ट्रेनिंग कैसे होती है, जॉब कैसे होगा, देन सैलरी होगी कैसी, जॉब लोकेशंस क्या होती है, एंड देन फाइनली कुछ और चीज़ें इस पोस्ट के बारे में, राइट? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भी वीडियो है इट इज़ फ्रॉम एसएससी रिक्रूटमेंट, नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग अलग से होता है। इन फ्यूचर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी को कॉन्टैक्ट करूँ और उनसे ये सब डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको बताऊँ। सो इन फ्यूचर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ दिस, बट करंटली दिस इज़ फॉर एसएससी एग्जाम। सो इफ़ यू हैव क्लियर्ड एसएससी एग्जाम एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर एमईएस, देन हाउ योर ट्रेनिंग विल बी, हाउ योर लाइफ विल बी, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। अगेन वी हैव मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार विद अस एंड वो हमें बताएंगे कि ट्रेनिंग कैसे हुई थी। तो सर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यू क्लियर्ड एसएससी एग्जाम, नाउ प्लीज शेयर योर जर्नी फ्रॉम द टाइम ऑफ जॉइनिंग ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का जनरली क्या है कि एक इंटरप्ट करता हूँ मैं आपको कि मेडिकल हो गया राइट आपका, हाँ। तो मेडिकल के बाद की प्रोसीजर से हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल की बाद की प्रोसेस ऐसी है कि आपको कॉल लेटर आता है एमईएस से कि आपको इतने एक प्रोवेल टाइम दिया जाता है, आपके पास टाइम पीरियड जैसे एक महीना, आपको उसके बीच में रिपोर्ट करना है। जैसे मेरा आया था जबलपुर में पोस्टिंग, तो मुझे वहाँ रिपोर्ट करना था। सो गाइस, इसमें जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में क्या रहता है कि पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, देन आपको जॉब दिया जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप का है शेड्यूल हो सकता है, पहले आप जॉब करेंगे, उसके बाद बीच में कहीं आपको ट्रेनिंग, जैसे कई कई मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग 4 साल बाद भी ट्रेनिंग करने आए हैं जो रिक्रूटीज हैं जूनियर इंजीनियर के। आपका नंबर कैसे आ रहा है वो डिपेंड करता है, आपको 2 साल में भी बुलाया जा सकता है, आपको 3 महीने में बुलाया जा सकता है। तो ऐसा इसमें ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। इट्स अ 1 month ट्रेनिंग फॉर जूनियर इंजीनियर्स एंड इट इज हेल्ड एट बैंगलोर, राइट? तो ट्रेनिंग 1 month में एग्जैक्टली क्या क्या होता है ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। 1 month में जनरली इसमें ये सिखाया जाता है कि आपको करना क्या है, कैसे आपको सिचुएशंस को डील करना है, एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो कि जूनियर इंजीनियर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है वो है, फील्ड एग्जीक्यूशन कैसा करना है, जनरली जो भी वर्क्स होते हैं, जनरली जूनियर इंजीनियर टाइप ऑफ सुपरवाइजर, तो आपको सुपरवाइज कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्टर से काम कैसे करवाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो 1 month में आपके थ्योरी लेक्चर्स होते हैं या फिर सीधा फील्ड पे ही आपको ले जाया जाता है? नो, थ्योरी प्लस फील्ड दोनों रहता है। तो थ्योरी में सब यही चीजें पढ़ाते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, यही सब पढ़ाया जाता है, राइट? देन फील्ड में आपको कहां ले जाते हैं, लाइक जैसे आपने बताया ट्रेनिंग लोकेशन बैंगलोर है, तो फील्ड में कहीं और ले जाते हैं? ट्रेनिंग लोकेशन में थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूँ, इसमें ट्रेनिंग लोकेशन आपकी रहेगी कोई भी आर्मी कैंट में आपको ट्रेनिंग आपकी दी जाती है। जैसे मेरी हुई थी बैंगलोर इंजीनियरिंग ग्रुप, इट्स द इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, वहाँ पे मेरी हुई थी ट्रेनिंग। तो आर्मी, जैसे एमईएस का वर्क आपको पता ही है, जनरली आर्मी के जितने भी एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको आपको मेंटेन करना है, उनको कंस्ट्रक्शन करना है, यही आपका काम है। तो ऑन फील्ड ट्रेनिंग, जैसे जो उनके क्वार्टर्स बने हुए थे या फिर जो उनके ट्रांसफॉर्मर्स और उनके जो सेंट्रलाइज एसी प्लांट्स थे, हमको वहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ पे जाके हमें देखना होता था कि कैसे क्या काम चल रहा है और क्या क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं, राइट? तो फील्ड में बेसिकली आपको कहीं और जगह ले गए, मतलब आर्मी कैंट से भी हट के कहीं और ले गए जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी कर सकते हो, थोड़ा घूम भी सकते हो? नहीं, इस टाइप का तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो इट्स अ लाइक प्रीटी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। ओके, 1 month यू विल बी देयर, टाइम काफी कम है, 1 month ही है, 1 month आप जाते हैं, ज्यादा नहीं होता, राइट? राइट, इसके बाद आपको सीधा जॉब पे, अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपको जॉब पे भेज दिया जाता है, राइट? तो जॉब की अगर बात करें तो आपकी पोस्टिंग कहाँ थी एंड हाउ वाज इट बेसिकली? जो मेरी ट्रेनिंग थी, मतलब सॉरी, जो फर्स्ट जॉब थी मेरी जबलपुर में थी। तो जबलपुर में काफी फैमिलियर, पहले जैसे मैं बता चुका हूँ जबलपुर ही मेरा मतलब कॉलेज रहा है, तो मैं काफ़ी फैमिलियर था उस जगह से। एंड जनरली एमईएस में आपको इस बात की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि आपकी ट्रेनिंग लोकेशन कैसी है, क्योंकि आर्मी कैंट जनरली एस्टैब्लिशमेंट्स जनरली आप देखेंगे थोड़ी अच्छी जगह पे पोस्टिंग लोकेशन, राइट? हाँ, पोस्टिंग लोकेशन, लोकेशन आपकी अच्छी अच्छी लोकेशन भी होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट इंजीनियरिंग जॉब जो है आपकी, उनमें आपको कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, जहाँ पे आर्मी एस्टैब्लिशमेंट होंगी वही वेल डिफाइंड,
वहीं भी आपको भेजा जाएगा। तो वो जनरली अच्छी लोकेशंस पे ही होती है। एंड आर्मी कैंट की बात बताऊँ तो काफ़ी आपने देखा ही होगा, आपने कभी जहाँ पे आप रहते हैं काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन्ड बड़े और साफ सुथरे रहते हैं, तो आपको वहाँ रहने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एक मोटिवेशन मिलेगा, एक जो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको फिटनेस का, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली आर्मी जो पर्सन हैं काफ़ी फिट रहते हैं एंड काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। राइट, तो एंड ट्रेनिंग के बाद ऑन जॉब जब आप जाते हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होती है, बेसिकली आप करते क्या थे? तो इसमें जनरली मैं बताऊँ तो दो टाइप की जॉब होते हैं, जैसा कि हर किसी जॉब में रहता है, डेट इज़ वन इज़ ऑफिस जॉब, सेकेंड इज़ फील्ड जॉब। तो ऑफिस जॉब अगर आपकी लगी है तो आपकी हेडक्वार्टर में लगी, यानी जोनल ऑफिस या फिर कमांड ऑफिस, जो कि काफ़ी कमांड ऑफिस में मुश्किल है। फर्स्ट अगर आप बहुत लकी हैं मैं बोलूँगा तो ही आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, नहीं तो जनरली शुरुआत में भेजा नहीं जाता, वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग को ही भेजा जाता है। एंड तो ऑफिस जॉब सिंपली आपका मंडे टू फ्राइडे, कहीं कहीं पे मंडे टू सैटरडे, ये जोन स्पेसिफिक है। जैसे मैं जबलपुर में था तो मंडे टू सैटरडे था, बट सैटरडे इज़ हाफ डे, ऐसा रहता है। सैटरडे और वेडनेसडे हाफ डे था, दो दिन हाफ डे था। लेकिन अगर मैं जैसे अगर लखनऊ की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ मंडे टू फ्राइडे है, तो ये जोन स्पेसिफिक है, ये कोई डिफाइंड नहीं ऑल इंडिया। सेकंड है फील्ड जॉब। तो फील्ड जॉब काफ़ी हेक्टिक है, अगर मैं कहूँ एक्सपीरियंस से जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे। फील्ड जॉब में ऐसा है कि आपको कोई जैसे पंप स्टेशन दे दिया गया या फिर ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट दे दिया गया कि आपको एक इस्टेब्लिशमेंट अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इस एस्टेब्लिश का मेंटेनेंस या फिर अगर उसमें कोई भी काम होगा, कोई नया काम आपको शुरुआत करनी है तो आप कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेक्टिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंप हाउस की बात करूँ, जैसे आपको मान लो कोई पंप हाउस दे दिया गया, तो अगर उस पंप हाउस में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे रात में भी कोई पंप ख़राब हो गया है, तो आपको पूरे रात भर बैठ के वहाँ पे वर्कर के साथ काम करवाना पड़ेगा। आपको खुद कुछ नहीं करना, बट यू हैव टू गिव ऑर्डर्स, तो यू हैव टू बी देयर। तो ये है, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी हेक्टिक जॉब है जूनियर इंजीनियर की, आपको कभी कॉल किया जा सकता है। और डिसिप्लिन इसमें है, बाकी डिपार्टमेंट्स का तो मैं नहीं जानता, बट डिसिप्लिन इसमें काफ़ी, क्योंकि यू आर डीलिंग विद आर्मी पर्सनल्स एंड आप जानते हैं हम काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं अपने वर्क को लेकर। राइट, चलो तो अभी पूछ लेते हैं सैलरी के बारे में, जो मे बी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। सो प्लीज़ सर एक जनरल एस्टिमेट बता दीजिए इन हैंड सैलरी का। तो जनरल एस्टिमेट जैसे आप जानते हैं जूनियर इंजीनियर आप में लेवल 6 पे आप सेलेक्ट होंगे, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स लाइक दैट। तो आपका बेसिक पे रहेगा 35,400, इन हैंड सैलरी आपकी लगभग आएगी 45 के अराउंड। अगर आपने वहाँ पे एमईएस में क्वार्टर्स लिए हैं, जो कि क्वार्टर्स भी इजीली जनरली अवेलेबल हो जाते हैं इवन जूनियर पोस्ट पे भी, क्योंकि आर्मी का आप जानते हैं कैंट काफ़ी बड़ा है और क्वार्टर्स की कोई कमी वहाँ पे ऐसी रहती नहीं है, तो आपका अराउंड 40 के आसपास आ जाता है। राइट, ये तो सैलरी स्पेसिफिक। राइट, अगर हम पूछना चाहे कि जॉब लोकेशंस, तो जॉब लोकेशंस सर ने पहले ही क्लियर कर दी कि जनरली आर्मी कैंट जो होते हैं वो अच्छी जगह पे होते हैं सिचुएटेड, तो इसीलिए आपको एक मेजर सिटी मिलने की चांसेस है, ठीक है। बट अगेन इट मे वैरी, इट डिपेंड्स ऑन योर सीनियर कि आप कहाँ पोस्ट हो गए, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग गाइस, इन दिस वीडियो वी आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो जो भी हम शेयर कर रहे हैं जस्ट एक ओवरव्यू है, कुछ कॉन्फिडेंशियल शेयर नहीं किया जा रहा, राइट। ओके, नेक्स्ट, अगर एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूँ तो अबाउट प्रमोशन, अगर आप लेवल 6 पे रिक्रूट हो रहे हो तो आपके प्रमोशन या फिर कोई एग्जाम है जिससे आप लेवल 10 में जा सकते हो ऑफिसर या फिर गैजेटेड लेवल पे जा सकते हो? यस, तो इसमें जनरली आप जाते ही आपको पता चलेगा कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है इसमें, तो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मैं ऐसा कहूँगा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको गारंटी ये नहीं कर देता कि आप जल्दी से जल्दी आप गेस्टेड पोस्ट में शिफ्ट कर जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने डिपार्टमेंट एग्जाम दे दिया, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे लेवल 8 डेट इज़ गेस्टेड पोस्ट में जाने के लिए। उसके बाद कितना भी टाइम लग सकता है, जनरली मैंने जो देखा है वहाँ पे जो कुछ लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड इस बात से भी रहते हैं कि प्रमोशन में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा। आपको लेवल 8 में जाने के लिए कहीं 10 साल, कहीं 12 साल, बहुत लकी हैं तो मिनिमम आपको 8 ईयर्स तो लग ही जाएंगे फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। शायद कुछ नया DOPT का प्रोसीजर है तो इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। ओके, अगर आपको एग्जैक्टली MES के बारे में अच्छा क्या लगता है? MES के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा अच्छा, जो ये था कि जनरली मैं एक तो पॉइंट पहले आज बोल चुका हूँ, आप आर्मी पर्सनल के बीच में काम करते हैं। MES में आप देखें तो 50-50 रेशियो है बिटवीन आर्मी पर्सनल एंड सिविल पर्सनल, उनसे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलती है, जैसे कि डिसिप्लिन, फिटनेस आपको कैसे रखना है। एंड जनरली वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड है, उन लोग में फ्लॉज बहुत कम रहते हैं, और यही जो उनकी एक वो है
प्लस पॉइंट, जैसे प्लस पॉइंट है वही नेगेटिव पॉइंट भी एक हो जाता है। जैसे आप आर्मी पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, एक प्लस पॉइंट भी एक नेगेटिव भी है, बिकॉज एक साइलोज बन जाता है, डिपार्टमेंटलिज्म बन जाता है। जैसे अगर आपका सीनियर आर्मी वाला है तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपके सबॉर्डिनेट्स, आर्मी सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा फेवर करेंगे कंपेरिजन टू यू। एक लॉबी बन जाती है जैसे आप जानते हैं थोड़ा सा आर्मी और सिविलियन के बीच में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। टसल प्रमोशन के लिए भी कई हो जाता है बिटवीन आर्मी एंड सिविल पर्सनल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, सो व्हाई यू लेफ्ट एमईएस एंड आफ्टर कमिंग टू रेलवेज, व्हाट आर योर फीलिंग्स, लाइक कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? तो सबसे पहले क्वेश्चन में व्हाई लेफ्ट एमईएस, आई थिंक इट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जूनियर इंजीनियर में था तो ये क्वेश्चन उतना एप्ट हुआ नहीं, क्योंकि सीधी बात है मुझे एक हाई वर्क प्रोफाइल चाहिए था। सो आई एप्ट फॉर ऑफिसर्स इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड वाज सिलेक्टेड इन इंडियन रेलवेज, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 28। अगर मैं एमईएस में ऑफिसर होता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा एप्ट होता कि मैंने क्यों छोड़ा, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जैसे मैं जब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था मैंने वहाँ पे, तो मैं काफ़ी वहाँ पे जो सीनियर मेरे ऑफिसर थे जो इंजीनियरिंग सर्विस से आए थे उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती थी, तो वो भी मतलब ऐसा फेवर ही कर रहे थे कि आप रेलवेज में चल जाओ। उनका अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो इवन हायर लेवल पे भी, ऑफिसर लेवल पे भी प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसका कारण पहले ही मैं दे चुका हूँ, दे आर 50-50 रेशियो ऑफ आर्मी एंड सिविलियंस, तो आपके बीच में एक टसल चलता रहता है। एमईएस का जो हेड है, ये मैं आपको बता दूँ, एमईएस का हेड होता है इंजीनियर इन चीफ। ओके, जैसे रेलवे के हेड होते हैं सीआरबी, दैट इज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो वो इंजीनियर इन चीफ जो होता है इज अ रैंक ऑफ इंडियन आर्मी ओनली। तो ये भी एक है, अगर आप कितना भी कर लें आप सबसे हाई पोजिशन पर तो जा ही नहीं सकते, और इवन आपको कमांड चीफ बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिटायर हो जाए आप कमांड चीफ ना बन पाए, तो इसलिए उनके सीनियर्स का कहना था कि प्रमोशन आस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो रेलवेज में ज़्यादा बेटर है एमईएस के कंपैरिजन में। बट रेलवेज में और एमईएस में, अगर मतलब एमईएस की एक अच्छी बात बताऊँ रेलवेज से, दैट इज़ यू कैन से जो किसी को पसंद आ सकती है किसी को नहीं, दैट इज़ चिल लाइफ। एमईएस में आप काफ़ी चिल लाइफ इन्जॉय कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड कभी भी नहीं आएगा जैसे रेलवे में आ सकता है। बट जितना ज़्यादा आप काम करोगे, वो बोला जाता है जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होती है, तो रेलवे में आप ज़्यादा काम करते हैं आपकी ज़्यादा वैल्यू, आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। एमईएस में मैंने ऐसा किसी सीनियर को नहीं सुना कि वो किसी डेपुटेशन पे किसी अदर मिनिस्ट्री में जा रहा है। राइट, तो दिस वाज अबाउट द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीपल हु आर सिलेक्टेड इन एसएससी एंड दे आर अलॉटेड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ऐसी कुछ आपकी लाइफ होगी। ओके, सो डोंट वरी, एवरी जॉब इज गुड इफ यू आर लुकिंग एट इट्स पॉजिटिव साइड। अगर आप उसके नेगेटिव देख के रोते रहोगे तो आपको कोई भी जॉब अच्छी नहीं लगी। राइट, तो बीइंग इन रेलवेज वी आर हैप्पी, बट देर आर फ्यू नेगेटिव साइड्स। ओके, जो कुछ लोग होते हैं जो सभी जगह पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे उनको नेगेटिविटी ढूंढ लेती है एंड वो दुखी रहते हैं। तो दिस इज नॉट द मोटो ऑफ योर लाइफ, योर मोटो ऑफ लाइफ शुड बी टू बी हैप्पी। ओके, सो एंड दिस इज इट फॉर गाइज फॉर दिस वीडियो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर पुष्पेंदर फॉर गिविंग योर टाइम टू आर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू ऑल आर सेफ। So stay happy, stay motivated, and best of luck for your exam.